वेलकम टू दोस्तों, हम आज बात करेंगे हाउ टू जनरेट न्यू एटीएम पिन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ दो चीज़ें लेना है यहाँ पे। पहला तो आपके पास होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग आईडी एंड पासवर्ड। दूसरा चीज़ है रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर विथ बैंक, जो कि बैंक में रजिस्टर्ड होगा जो फ़ोन नंबर उसको लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाके वहाँ पे सिर्फ टाइप करना है SBI ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, अभी अभी जो दिख रहा है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लॉगिन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। पर्सनल बैंकिंग दिख रहा है वहाँ पे लॉगिन करना है और कंटिन्यू टू लॉगिन करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके पास होगा जो आईडी, बैंकिंग आईडी विथ पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। और उसके नीचे होगा जो कैप्चा कोड, उसको भी वहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे सिंपल सा लॉगिन कर देना है। वहाँ पर जो दिख रहा है लॉगिन ऑप्शन, वहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक तो OTP आ जाएगा, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका OTP आ जाएगा। OTP नंबर को सारा यहाँ पे डाल देना है। यहाँ सारा चीज़ डाल देना है वहाँ। उसके बाद क्या करना है, सबमिट करना है। वहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर में जो तीन लाइन है वहाँ पे क्लिक करना है अभी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ई सर्विस में जानना है। ई सर्विस जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर भी बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। आपको सिर्फ क्या चूज करना है, यहाँ पर ATM पिन जनरेशन, याद रखिएगा ATM पिन जनरेशन। उसके बाद यूजिंग वन टाइप पासवर्ड, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, अभी आपके पास OTP आ जाएगा, नंबर जो है दिया होगा बैंक में उस नंबर पे आपको OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देना है, उसके बाद सबमिट करना है यहाँ पे। और उसके देखिए उसके बाद आपका जो डिटेल्स अकाउंट नंबर वहाँ पे सारा चीज़ मतलब आ जाएगा यहाँ पे। हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए अभी मेरे को दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन जो है हमारा न्यू एक्टिव जो ATM कार्ड होगा वो आ गया है। और दूसरा चीज़ जो देखिए दो ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड वाला एक्सप्रो हो चुका है और फास्ट वाला जो पहला वाला जो है, हमको क्या करना है, पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्योंकि वो जो नंबर दिख रहा है लास्ट में जो डिजिट होगा आपके ATM नया कार्ड होगा वो भी वहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सबमिट करना है। सिंपल सा काम है आपको करना है सिर्फ। सबमिट करने के बाद क्या है, आपके पास मांग रहे हैं अभी क्या है, दो ATM पिन डालना है जो कि आपको याद रह जाएगा। डाल दो, सिर्फ जो डाल दीजिए पिन यहाँ पर, डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद आपको क्या अभी मांग रहा है, आपके पास और एक OTP आ जाएगा, वो थोड़ा देर में OTP आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना है और हो जाएगा आपका काम। अभी देखिए अभी दिख रहा है क्या, न्यू ATM पिन नंबर हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सिंपल सा मेथड है आपको करना है, ठीक है।